तो कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल अरेस टेक्निकल गुरु में। आज की वीडियो का टाइटल आप सभी ने फ्रेंड थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो सीएससी डिजिटल बेटी प्रोजेक्ट के बारे में आज हम चार टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि सीएससी डिजिटल बेटी योजना क्या है, इसका एम क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और सेकेंड टॉपिक जो है वो ये है, बीएलयू को इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, बीएलयू को क्या कमीशन मिलेगा, कितना फ़ायदा होगा बीएलयू को। ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो ये है एलिजिबिलिटी, इसमें कौन कौन से बीएलयू काम करने के लिए एलिजिबल होंगे, किनको काम मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो है, अप्लाई कैसे करें, आपको सीएससी डिजिटल बेटी योजना में रजिस्टर कैसे करना है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा, और आपने अगर चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके काफ़ी काम का होने वाला है। और अभी तक आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की सीएससी डिजिटल बेटी जो योजना है वो क्या है। तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है फ्रेंड्स, गाँव की कुछ पढ़ी लिखी महिलाएँ हैं और जिनको डिजिटल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मोबाइल फ़ोन को कैसे यूज़ किया जाता है, या लैपटॉप कंप्यूटर को कैसे यूज करना है, फेसबुक अकाउंट को कैसे यूज करना है, और मार्केटिंग के बारे में उनको ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है, ऑनलाइन जॉब को कैसे सर्च करना है। तो गाँव की महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता देना, सीएससी की जो डिजिटल बेटी योजना है उसका मुख्य उद्देश्य यही है फ्रेंड्स, कि गाँव की जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं या पढ़ी लिखी महिलाएं हैं बट उनको डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल नॉलेज नहीं है, तो सीएससी की डिजिटल बेटियां जो बनेंगी वो क्या काम करेंगी। वो सीएससी की जो डिजिटल बेटियां हैं वो गांव के कुछ कम जो लोग जिन लोगों को डिजिटल नॉलेज नहीं है, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को डिजिटल नॉलेज उनके साथ शेयर करेंगी और उनको मार्केटिंग करना सिखाएंगी, कैसे फ़ोन से मार्केटिंग की जाती है, अपने छोटे से बिजनेस को ऑनलाइन ले करके कैसे आना है, कैसे वेबसाइट बिल्डअप करना है। ठीक है। तो अपने जो छोटे काफ़ी ऐसे काम काज हैं जो घरों में चल रहे हैं, उन बिजनेसेस को ऑनलाइन वेब पोर्टल पर कैसे लेकर के आना है, मार्केटिंग कैसे करना है। ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी आज की डेट में फ्रेंड्स काफ़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ हो चुकी है, क्योंकि फ़ोन डिवाइसेस हर कोई आजकल फ़ोन यूज कर रहा है और फ़ोन से बैंक लिंक है। ठीक है फ्रेंड्स। मोबाइल फ़ोन में लोग पेमेंट ऐप भी इंस्टॉल करके रखते हैं, तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सीएससी की जो डिजिटल बेटियां बनेंगी वो गांव की महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षित करेंगी। ठीक है। क्या शिक्षित करेंगी, साइबर सिक्योरिटी, कौन सी वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं है, ये सारी जानकारी दी जाएगी। तो फेसबुक और सीएससी का एक आपस में एक एग्रीमेंट, एक समझौता हुआ है कि वो दोनों मिल करके देश की जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं उनको डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उन लोगों को महिलाओं के माध्यम से ही उन सभी लोगों को डिजिटल लिटरेसी, घर घर तक डिजिटल साक्षरता को पहुंचाया जाएगा। लगभग 2.5 लाख महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षित डिजिटल लिटरेसी देने का एक जो उन्होंने एजेंडा तैयार किया है, फेसबुक और सीएससी ने मिलकर के एक बीच में उनके एग्रीमेंट हुआ है, तो ये योजना है सीएससी डिजिटल बेटी योजना। ठीक है फ्रेंड्स। ये बात हो गई सीएससी डिजिटल बेटी योजना के इंट्रोडक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं इसमें बीएलई को क्या फ़ायदा होने वाला है। इसमें बीएलई को फ्रेंड्स, जो बीएलई अगर किसी लड़की को या महिला को डिजिटल लिटरेसी, उनको साक्षरता देता है, तो उनको यहाँ पर कमीशन मिलेगा काफ़ी अच्छा, यानी कि फीस पेड करेगी गवर्नमेंट आपको लगभग 50 रुपये से, और 150 रुपये तक की फीस आपको मिल सकती है एक जो लड़की या एक महिला को शिक्षित करने पर, आपको 50 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक का कमीशन मिल सकता है फ्रेंड्स, ये फायदा होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, इसमें कौन कौन से बीएलई एलिजिबल होंगे सीएससी डिजिटल बेटी योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए और किन किन को ये काम मिलेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो सीएससी बीएलई महिलाएं हैं, यानी कि महिला लेडीज सीएससी बीएलई हैं, लड़कियाँ हैं, उनको फर्स्ट नंबर पर ये काम मिलेगा। और इसके बाद में जो कुछ पुरुष सीएससी बीएलई हैं वो लोग किसी अदर महिला को अपने यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, उनको सीएससी डिजिटल बेटी बना सकते हैं, तो वो उनके द्वारा ये वर्क जो है सीएससी डिजिटल बेटी योजना का वो उनसे करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात हो गई है एलिजिबिलिटी की, कौन कौन से बीएलई यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों लोग एलिजिबल हैं, मेल और फीमेल, बट जो मेल बीएलई हैं उनको क्या करना है, उनको एक
डिजिटल बेटी को रजिस्टर करना है अपने सीएससी सेंटर पर, तो वो महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी देंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इस योजना में आपको रजिस्टर कैसे करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए ले चलते हैं आपको वेबसाइट पर, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको बड़ी ही इजीली से इसको एक्सेस कर सकते हो। तो पहुंचते हैं उस वेबसाइट पर, वेबसाइट ओपन हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन होकर के आ चुकी है। देख ये इंटरफेस है इसका फ्रेंड्स, यहाँ पर होम, अबाउट और इम्पैक्ट, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे लॉग इन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको फ्रेंड्स क्लिक कर लेना है। वेट करते हैं कुछ देर का। जब आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड दो ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर के आ जाएंगे। आप अभी अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप लॉग इन नहीं कर सकते। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना यूजर अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके लिए यहाँ पर आपको साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना एक यूजर नेम दे देना है। यूजर नेम मीन्स जैसे आप मेल आईडी बनाते हैं तो एक यूजर नेम देना पड़ता है, उसी तरह से यहाँ पर आपको एक यूजर नेम देना है। यूजर नेम में क्या करना है, आपको लेटर और अल्फ़ाबेट और स्पेशल करेक्टर मिक्स करके यहाँ पर आपको यूजर नेम देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी डिफरेंट नेम, मान लीजिए आपका नाम कोई भी राहुल है या जो भी नाम है आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अमित, मान लीजिए आपका नाम अमित है तो आप एट द रेट जो है वो एक स्पेशल करेक्टर हो गया है। इसके बाद में आपको कुछ डिजिट दे देनी है, जैसे 123 ये हमने यूजर नेम बना लिया है। अब यहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं क्या ये अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में यहाँ पर आपको नेम डाल देना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम में आप अपना नाम डाल दीजिएगा जो भी आपका नाम है, कि यहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड अमित 1234 करके ये डाल देता हूँ मैं पासवर्ड को। इस तरह से आप भी पासवर्ड बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको साइन अप पर क्लिक कर लेना है। पासवर्ड इज टू सिमिलर, ओके, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। ये वाला डाल करके चेक कर लेते हैं, फिर साइन अप पर क्लिक कर लेना है। ये यहाँ पर लॉगिन हो चुका है फ्रेंड्स, अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब फर्स्ट तो आपको यहाँ पर रजिस्टर भी करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वेबसाइट में क्या होता है फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली इसको रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना होगा। यूजर अकाउंट जब आपका बन जाएगा तो आप यहाँ पर सीएससी डिजिटल बेटी योजना के लिए यहाँ पर आप रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको फादर्स नेम डाल देना है, जो भी फादर्स नेम है, मदर्स नेम आप डाल दीजिएगा जो भी है। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए भी फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर जेंडर आपको चूज कर लेना है, मेल या फीमेल, जो भी जेंडर है आपका वो आप चूज कर लीजिएगा यहाँ से। मैं यहाँ पर मेल चूज कर ले रहा हूँ, बल्कि आप यहाँ पर फीमेल ही चूज करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप यहाँ पर नेम और ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल बेटी योजना है तो ये बेटियों के लिए ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अमित नाम यहाँ पर लिख करके आपको दिखा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप किसी भी फीमेल को यहाँ पर आप डिजिटल बेटी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है जो भी है, और यहाँ पर मेल आईडी दे देना है जो भी आपकी ईमेल आईडी है। ठीक है फ्रेंड्स, मेल आईडी दे देना है, फ़ोन नंबर दे देना है जो भी है, XYZ फ़ोन नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा, और यहाँ पर स्टेट चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर तहसील जो भी है वो चूज कर लीजिएगा, विलेज का नाम जिस भी विलेज से आप हैं या जो भी नियरेस्ट आपका विलेज है वो विलेज आपको यहाँ से चूज कर लेना है, फुल एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिएगा जो भी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आपका फुल एड्रेस है वो आपको दे देना है। यहाँ पर आपको पर्सनल मंथली इनकम लिख देना है, जो भी इनकम है वो यहाँ से चूज कर लीजिएगा। लैंग्वेज हिंदी, और अदर आप अगर कोई लैंग्वेज आपको आती है तो वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नॉट अप्लीकेबल ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10th क्वालिफिकेशन मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इनमें से कोई सी तो आप उसको भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आया 12th यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप यहाँ पर जो भी हैं जिनको आप डिजिटल बेटी बना रहे हैं अगर वो विकलांग हैं तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, अदरवाइज नो रहने देना है। डू यू हैव बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपको यस कर देना है, और सेव डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स,
यहाँ पर ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से सीएससी डिजिटल बेटी योजना के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और अभी इसमें काफ़ी कुछ बाकी है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो एक और कल बना करके अपलोड कर दूँगा। आपको शाम को 5 बजे तक वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको मैं बताऊँगा कि आप इसका एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं सीएससी डिजिटल बेटी योजना में, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है और इसमें जो भी एक एग्ज़ाम का टेस्ट होता है वो आप कैसे, पहले आपको कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको कैसे टेस्ट क्वालिफाई करना है और टेस्ट की आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आप इसका एग्ज़ाम देंगे और इसका सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, और आपको सीएससी डिजिटल बेटी योजना का लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑफिशियली कब मिलेगा और कब इसमें आप बेनिफिशरी को ऐड कर पाएंगे, कैसे लोगों को प्रशिक्षण देना है, कैसे ट्रेनिंग देना है, सारा कुछ हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो आपको कल शाम को 5 बजे तक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल।